कि बच्चों क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन दिया है इन आ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम में एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ 28 मीटर है एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। देखिए लेंथ किस में रखी है मीटर में और डायमीटर किस में रखी है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि लेंथ जो दे रखी है वो किस में रखी है आपकी मीटर में और वो दे रखी है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम लोग जो लेंथ है h वो देखेंगे, हाइट कितनी 28 मीटर है और डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो आप देखिए ध्यान से, हाइट कितनी रखी है आपको 28 मीटर और डायमीटर 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आएगी 5.2, इट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो 2.5/100, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3 तीन डिजिट का डेसिमल लाएंगे, 1, 2 यानी 0.025 मीटर। क्लियर? अब हमारे पास हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गई, टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया। अब टोटल रेडिएटिंग सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर एच टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया 2 पाई आर एच 2 × 22.7 इंटू आर। अब आर कितना है 0.025, हाइट कितनी बच्चों 28, 7 से 28 कैंसिल, कितना था 4 टाइम। क्लियर? अब 44 इंटू 4 इंटू 0.025 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 × 16 17 इंटू 0.025। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनका 25 का 176 में और 3 डिजिट का डेसिमल आएंगे तो 4.4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? कुछ नहीं था इसमें, आपका जो मेन चीज़ थी कि जो हाइट दे रखी थी मीटर दे रखी थी और ऐसी सेंटीमीटर दे रखी थी। तो पहले डायमीटर से रेडियस लगा दिया, हाफ कर दिया और सेंटीमीटर को मीटर चेंज कर दिया और 2 पाई आर एच फॉर्मूला ला दिया, आपका 4.4 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। क्लियर? दैट्स इट बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नाइन्थ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दो रखे हैं। फाइंड द लेटर और कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले हम सी एस सी निकालना है, अगर डायमीटर 4.2 मीटर दे रखी हो और हाइट 4.5 मीटर दे रखी हो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सी एस सी निकालेंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच। अब 2 × 22.7 आर कितना बच्चों 4.2 मीटर डायमीटर दे रखा है तो 4.2/2। क्लियर? और हाइट 4.5 दे रखी है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 0.6 कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया? तो 22 × 0.6 × 4.5। अब हम लोगों ने ये निकाला 22 × 0.6, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 12 13 13.2 × 4.5। अब 13.2 का 4.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया तो 59.4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब सेकंड पार्ट पूछा है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। कह रहा है कि अगर इस टैंक बनाने में 1/12 स्टील वेस्ट चली गई तो कितनी स्टील यूज एक्चुअली हुई, तो वो हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या
कह रहा है कि पहले हम लोग इसका टी एस निकालेंगे, टी एस ए ऑफ टैंक। तो हमने टी एस ऑफ टैंक निकाला, तो टी एस ऑफ टैंक 2πr r + h, 2πr r + h। अब 2πr इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 × 22.7, आर कितनी है 2.1 मतलब 4.2.2, और 2.1 प्लस एच कितनी है 4.5, 7 से कैंसिल 0.3 बार, तो 22 × 2 = 44, 44 × 0.3, इन दोनों प्लस करेंगे 105.6 और 426 6.6 6.6, तो 4.4 × 0.3 × 6.6 मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे 87.12 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा अगर 1/12 कुल स्टील का 1/12 वेस्ट हो गया तो कितना स्टील एक्चुअली यूज हुई, लिखेंगे लेट एक्स मीटर स्क्वायर स्टील एक्चुअली यूज्ड। तो ध्यान देखिएगा, एक्स 1 − 1/12 मतलब कुल हमने सब पूरी स्टील एक्स थी, उसमें 1/12 क्या हुए वेस्ट हो गई, और कुल कितना है 87.12 मीटर स्क्वायर। तो कितना बचा ये एक्स, तो 12 लेंगे एलसीएम, 12 − 1 इट मीन्स 87.12। अब ध्यान से देखिए, एक्स इंटू कितना चार 11/12 इज कल टू 87.12। तो एक्स इज कल टू, अब ध्यान से देखिएगा, देन एक्स इज कल टू 8 जो 12 डिवाइड में मल्टीप्लाई बन जाएगा 12 × 87.12/11। अब देखेंगे अगर हम लोग तो मल्टीप्लाई करके इसको पहले डिवाइड कर देंगे, चाहे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो या फिर डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 95.04 मीटर स्क्वायर एक्चुअली स्टील यूज्ड हुए। क्लियर, दैट्स इट। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर टेंथ लिखने में थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैं लिख लेना और समझा दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ूंगा पूरा क्वेश्चन। आपने बुक में लैंप शेड का फिगर दे रखा है आपको, इट इज़ कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लॉथ, इसको डेकोरेटिव क्लॉथ से ढक दिया गया है। द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, फ्रेम का जो डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, हाइट 30 सेंटीमीटर है, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ टॉप और बॉटम में 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन दिया है, जिससे कि आसानी से उस कपड़े को फोल्ड कर सकें। फाइंड हाउ मच क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड, तो उस लैंप शेड को कवर करने में कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, हाइट वैसे कितनी दे रखी है आपको, 30, कितनी रखी है 30, तो आपको 30 दे रखी है, तो जो मार्जिन है टोटल हाइट, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, जो टोटल हाइट हो जाएगी, जैसे आपने 30 दे रखी है और 2.5 टॉप में और 2.5 बॉटम में, तो 2.5 हो गया और 35 सेंटीमीटर हो गया। और जो रेडियस दे रखी है कितनी रखी है 10 सेंटीमीटर, कितनी रखी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर, तो क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। फॉर्मूला 2πr h, तो 2 × 22.7, आर कितना है 35, एच नो आर कितना 10 और एच कितना 35, 7 × 5 = 35, कितना हो गया 44 × 10 = 50, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 × 4 = 20, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि बस इसमें यही था कि जो मार्जिन दे रखा है उस मार्जिन को हम लोग हाइट में ही, क्योंकि टॉप में 2.5 का मार्जिन है, टू नीचे बॉटम में भी, तो इन सबको प्लस कर 35 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। रेडियस आपको दे रखी है, 2πr फॉर्मूला आ देंगे तो यहाँ पर एरिया आएगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11th, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है लेंदी लिखने में, तो क्वेश्चन लिखना, क्योंकि आप बुक लेके बैठते हो तो आपको पता होना चाहिए,
लेकिन क्वेश्चन मैं पूरा समझाऊंगा पढ़ाऊंगा भी। द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ बेस। विद्यालय के स्टूडेंटों से कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया कि आपको डेकोरेटिव पेन होल्डर बनाने हैं सिलेंडर की शेप में, जिसमें बेस भी होना चाहिए और पेन होल्डर में जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है और हाइट 10.5 सेंटीमीटर है। विद्यालय वो सप्लाई दस कॉम्पिटिटर विद कार्डबोर्ड। विद्यालय बच्चों को जो कॉम्पिटिटर हैं जो भाग ले रहे हैं उनको कार्डबोर्ड सप्लाई करेगा। अगर 35 कॉम्पिटिटर्स हैं तो कॉम्पिटिशन में कितना कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर पेन होल्डर देखिए, ये जो कार्ड सीट है, कार्ड सीट जो पेन होल्डर बनेगा, पेन होल्डर में एक तो CSA को पेन होल्डर निकालेंगे और क्योंकि इसने बोला बेस तो बेस का फॉर्मूला लगाएंगे πr², क्या लाएंगे πr², तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग पहले 1 पेन होल्डर का निकालेंगे क्योंकि 35 कॉम्पिटिटर है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड सीट। क्या मतलब ये फॉर्मूला बताया था एक तो शेप, क्योंकि सिलेंडर शेप में तो 2πr² हो गया, बेस है, बेस πr² होता है। अब 2 × 22.7 आर कितना दे रखा है आपको 3 और एच हाइट दे रखे 10.5 प्लस 22.7 3 × 3 क्लियर हो गया। 7 से कैंसिल 1.5 टाइम तो 44 × 3 का 3 से काट दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1.5 को तो 4.5 बस प्लस 22.7 यानी 3 × 9 9 × 18 9 × 18 98 अपॉन 7। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मैंने क्या किया 44 × 3 × 1.5 जब मल्टीप्लाई किया तो 198 अपॉन 7 क्लियर। अब ऐसे मिलेंगे 7 तो 7 × 8 = 56 कैरी 5 7 × 9 = 63 63 × 5 = 68 कैरी 6 7 × 6 = 30 अब प्लस 198। अब देखो 8 × 6 = 14 कैरी 1 9 × 9 = 18 कैरी 1 4 × 1 = 5 1 × 5 = 8 4 / 7 1.58 cm². अब ये कितने का आया एक कार्ड सीट का, सॉरी एक कंप्यूटर के लिए, तो एरिया ऑफ 30 एरिया ऑफ कार्डबोर्ड सीट फॉर 35 कॉम्पिटिटर कितने प्रोवाइड कराएगा, तो ये एक के लिए है तो 1584 upon 7 × 35 तो 7×5 = 35 क्लियर। मल्टीप्लाई कर देंगे 7920 cm². एरिया ऑफ कार्डबोर्ड्स फॉर वन कॉम्पिटिटर और ये 35 कॉम्पिटिटर मल्टीप्लाई कर दिया 7920।